22 जनवरी 2024, आज का दिन सारे हिंदू जाति के लिए और सभी धर्म परायण व्यक्ति के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा की है, जहां श्री राम का जन्म हुआ उस जगह में उनकी मूर्ति रखने के लिए 500 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। 150 वर्ष से तो मुकदमा ही चल रहा है कोर्ट में, 150 वर्ष से तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, और इसके लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो 500 वर्ष का पुराना संघर्ष था। लेकिन इसमें जो लगनशील लोग थे, कार्य सेवा के लोग थे, धर्मपरायण लोग थे, और विशेष रूप से इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है, उनकी राजनीतिक सूझबूझ से ये शांतिपूर्वक हो गया। जबकि इसके पिछला इतिहास देखा जाए तो इसके लिए बड़ी खून खराबी हुई थी, बहुत अयोध्या में भी और पूरे भारत में ही नहीं, इसके चलते बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी बहुत मंदिर तोड़े गए थे। इतिहासकार कहते हैं कि जहाँ राम जन्मभूमि राम के मंदिर को तोड़ करके पश्चिमी विधर्मी ने उसके साथ साथ हिंदुस्तान में उस समय कहते हैं लोग कि 36,000 मंदिर तोड़े गए, छोटे बड़े सब, क्योंकि हिंदू जाति प्रतिशोध करना नहीं जानती थी, विरोध करना नहीं जानती थी। महावीर और बुद्ध ने इतना अहिंसावादी और इतना एक प्रकार से निष्क्रिय बना दिया था कि लोग विरोध ही नहीं कर सकते थे, इसलिए 36,000 मंदिर तोड़े गए। सोमनाथ का मंदिर 19 बार लूटा गया, थोड़े से लोग आते थे, लूट के चले जाते थे। तो ये आज का दिन एक नई इतिहास की शुरुआत हो रही है। राम जब शरीर में थे तो उनका वनवास हुआ था 14 वर्ष का, लेकिन उनके मंदिर का वनवास तो 500 वर्ष का था। आज वो वनवास से राम फिर अयोध्या लौट आए हैं और बहुत सुंदर मंदिर बना है। और हम लोगों के लिए और भी इसमें गौरव की बात है कि राम के आधा तो सीता हैं नेपाल, जो जनकपुर में नेपाल में जन्मी, और उनके बिना राम की कथा अधूरी रह जाती है। तो यहाँ से नेपाल से उनके मंदिर बनाने के लिए यहाँ शालिग्राम यहाँ की नदियों में मिलता है, काली नदी में मिलता है, तो यहाँ से तो शालिग्राम के बड़े बड़े पत्थर भेजे गए, जो जिसका वजन दोनों का मिलाकर के करीब 30 टन होता था, जिससे राम लला की मूर्ति का निर्माण होना था। तो इसमें नेपाल भी उतना ही आज हर्षित है, हर नेपाली के मन में खुशी है कि यहाँ की अब एक जो सांस्कृतिक हमारी भारत के साथ जो सांस्कृतिक संबंध है उसमें जनकपुर और अयोध्या दोनों के साथ साथ ही लोग नाम लेते हैं, जब भी लेंगे तो सीताराम ही कहते हैं, पहले सीता कहते हैं फिर राम कहते हैं। तो मेरा अब तो लोगों से आग्रह है
कि एक दोनों जगह ब्रॉडगेज लाइन हो गई है, एक सुपर फास्ट ट्रेन अयोध्या से जनकपुर चलाई जाए, और ताकि लोग जो दर्शन करने आते हैं सारे, अब तो अयोध्या लोग कह रहे हैं कि 300 लाख लोग आएंगे हर साल, ऐसी लोग गणना कर रहे हैं कि 30 लाख लोग आएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो निश्चित रूप से वो लोग भी चाहेंगे, अगर सुविधा हो तो जानकी मंदिर का भी दर्शन करें, सब लोग चाहेगा। और अगर सुपर फास्ट ट्रेन अभी जो इंडिया में से वंदे मातरम ट्रेन चल रही है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड में चल रही है, तो अगर वो सुपर फास्ट ट्रेन लगाई जाए तो कुछ घंटों का सफ़र है अयोध्या से जनकपुर, तो ये पूरी हो जाएगी, तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। तो मैं भारत सरकार से आज के दिन आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर विचार करें। अयोध्या में इसी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है कि लोग आसानी से आ सकें। जनकपुर में भारत के ही सहयोग से बना हुआ था, एक एयरपोर्ट है ही, है छोटा सा एयरपोर्ट है, भारत के सहयोग से ही समय में बना था। अब उसको थोड़ा सा और उसकी लंबाई अगर बढ़ा दी जाए 500 मीटर और, तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा। करीब 2000 मीटर है, 500 मीटर और उसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसमें जेट प्लेन लैंड कर सकते हैं। तो 500 मीटर उस एयरपोर्ट का एक्सटेंशन हो जाए और डायरेक्ट फ्लाइट हो जाए अयोध्या टू जनकपुर, तो वो फ्लाइट जो होगी हमारे मेरे अंदाज से 40 मिनट के लगभग की होगी, तो 40 मिनट में लोग आ जाएंगे, है ना। और ट्रेन भी अगर सुपर फास्ट ट्रेन ज़्यादा जाए तो कुछ घंटों का सफ़र होगा। तो भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि आज के दिन में इस पर विचार करें, राम और सीता को नज़दीक लाएँ, है ना। तो तब जो राम के दर्शन करने आएंगे उनकी यात्रा अधूरी रह जाएगी अगर जनकपुर नहीं आए तो। और जनकपुर का मंदिर भी जो है वो टीकमगढ़ की महारानी ने ही, भारत की महारानी ने ही बनाया था नौलखा मंदिर, तो वो भी देखने लायक है। तो एक तो मेरा ये आग्रह है कि ये दोनों जो पुण्य भूमि है, जैसे अयोध्या का आज एक इंटरनेशनल छवि हो गया, सारी दुनिया में लोग आज अयोध्या को देखे हैं, और हर विदेशों में भी जितने हिंदू मंदिर है सब में आज आरती राम की हो रही है, और आज रात में दुनिया भर में फैले हुए हिंदू जाति जो है वो दुनिया के करीब करीब 150 से ज़्यादा देशों में फैली हुई है, वो सब लोग आज दिवाली मनाएंगे, 150 देश हम लोग भी मनाएंगे, 150 नेपाल में ही मनाई जाएगी, 150 देशों में लोग दिवाली मनाएंगे। तो उसी तरह से अगर ये नेपाल की सरकार और भारत सरकार थोड़ा इस पर मेरी बात पर ध्यान दें और दोनों मिल के करें, तो इंडिया से सुपर फास्ट ट्रेन आ जाए, 4-5 हमको अयोध्या से सुपर फास्ट ट्रेन आए तो कुछ घंटों का सफ़र है, और एयरपोर्ट है ही है, अभी छोटे प्लेन तो अभी भी आ सकते हैं, 500 मीटर अभी रेल उसको ट्रैक को और बढ़ा दिया जाए तो जेट प्लेन भी इंटरनेशनल प्लेन लैंड कर सकता है। तो राम और सीता के बीच की जो दूरी होगी आधे घंटे की रह जाएगी ना, तो इस पर ध्यान दें, ऐसा मेरी विनती है। ये जो काम हुआ है ये छोटा काम नहीं है, आज का दिन जो है इसके लिए 500 साल से लोग, हजारों लोग ने इसमें प्राण की आहुति दी, कितने लोग जेल गए इसके लिए, है ना। यूपी के उस समय के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उनको भी जेल जाना पड़ा, बहुत लोग जेल गए, बहुत लोगों ने मुकदमा झेला, और हजारों लोगों की इसमें प्राण गए हैं इसके लिए नासमझी के कारण। तो आज उनकी आत्मा को जो इसके लिए जिन्होंने शरीर छोड़ा, जो मारे गए जिस पक्ष के भी हों, उनको उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी कि एक ऐतिहासिक भूल थी, एक तलवार के बल पर किसी स्थान की पवित्रता को परिवर्तित कर देना एक ऐतिहासिक भूल थी, आज वो भूल सुधार ली गई है। भविष्य में कोई भी जाति कितनी भी छोटी हो उसके प्रति कोई अन्याय न करे, हर धर्म को हर जाति को कि स्वतंत्रता शक्ति के बल पर कोई हरण न करे, उसका आज वह दिन भी मनाना चाहिए। और ये हिंदुओं के लिए इसको
विजय दिवस के रूप में नहीं बल्कि विनम्रता दिवस के रूप में मनाए इस ना ये जो सफलता है इसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करें। अब इस विषय में एक और ऐसी ही घटना है कि जहाँ राम का जन्म हुआ वहाँ की राम को मूर्ति नहीं रखने देते थे, ऐसे ही ओशो जहाँ वर्षों रहे, जहाँ उनके कार्य का विस्तार हुआ पुनः आश्रम में, आज वहाँ ओशो की तस्वीर लोग नहीं रखने दे रहे हैं। ऐसे ही विधर्मी लोग है ना, ऐसे ही फैनेटिक लोग जो राम की मूर्ति नहीं रखने दे रहे थे, ठीक ऐसे ही फैनेटिक लोग हैं जो आज ओशो के ही आश्रम में जहाँ वो वर्षों रहे, जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा, जहाँ उनके माता पिता ने शरीर छोड़ा, जहाँ उनके कई शिष्यों ने समाधि प्राप्त की, ऐसे जगह पर ओशो की खुद मूर्ति नहीं रखने दे रहे। तो यही अन्याय है, ये भी वैसा ही बिल्कुल ऐसा ही अन्याय है, और इसके लिए भी लोग बहुत दिन तक चुप रहे, जैसे राम के भक्त चुप थे बहुत सालों तक चुप हैं, ओशो के भक्त भी अब थोड़ा जाग रहे हैं। तो यह भी ओशो के साथ न्याय हो कि जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा उस समाधि पर एक उनकी मूर्ति या उसका तस्वीर तो रखना चाहिए, और जन्मभूमि तपोभूमि, वो जो एक तपोभूमि थी, हजारों लोग वहाँ, सारे विश्व के करीब 200 देश के हजारों लोग आके तपस्या करते थे, वो एक प्रकार के ओशो के समय में स्पिरिचुअल कैपिटल था वर्ल्ड का, वहाँ हमेशा 10,000 लोग रहते थे, और ताजमहल जितना फॉरेन करेंसी नहीं अर्न करता है भारत के लिए, उतना ओशो आश्रम अर्न करता था। तो ऐसी जो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह थी, उसका पुनर्जागरण, उसको लोगों ने आश्रम को रिजोर्ट बना दिया, और वहाँ वेलकम सेंटर पर अब बाउंसर रहते हैं। ये यह अन्याय जो है ठीक अयोध्या के अन्याय जैसा ही है। अयोध्या स्वतंत्र हुआ, हम सब प्रार्थना करते हैं कि लोग इस पर भी ध्यान दें। ओशो की तपोभूमि, ओशो सन्यासियों की आदर्श साधना भूमि में ओशो के सन्यासी ओशो की माला पहनकर प्रवेश कर सकें। वहाँ ओशो की किताबों से उनकी तस्वीर हटा दी गई, लोगों ने ठीक ऐसा ही कहा है, वो धर्मांध लोग ऐसे ही होते हैं, उसमें कोई जाति का कोई थोड़ा फर्क हो, उनके मन साइकोलॉजी में कोई फर्क नहीं होता है। तो ऐसे धर्मांध लोगों ने पूरे आश्रम को कैप्चर कर लिया है, वहाँ ओशो भक्त शांति से प्रवेश नहीं कर सकता है। ओशो की बात, हम ओशो की वाणी यूट्यूब में या फेसबुक में नहीं रख सकते हैं, ओशो की तस्वीर के साथ फोटो खिंचा दिए तो वो हम कॉपीराइट लग जाता है, ओशो का नाम नहीं ले सकते हैं, संन्यास स्वामी नाम, अभी तो उन्होंने क्या किया है कि कोई स्वामी भी अपने को नहीं कर सकता है, माँ भी नहीं कर सकता है। तो ये ठीक यही जैसे रामलला के साथ अन्याय हुआ था, ऐसा ही अन्याय ओशो के साथ हुआ है, और हमारी भी सबसे प्रार्थना है कि लोग इस पर ध्यान दें और धर्मांध लोगों से को समझाएं, और वहाँ पर भी फिर से जो उसके देवता हैं पुणे आश्रम के जो देवता हैं उनकी मूर्ति स्थापना हो।